हाई एवरी वन वेलकम टू कर क्रंच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी आई होप कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो नॉट ओनली होप आई एम श्योर की आपकी प्रिपेरेशन अच्छी है ठीक है तो आज के वीडियो लाने का क्या मकसद है थोड़ी सी बातें आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टेडबिट्स लास्ट के हम शेयर करेंगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से रिमाइंड करवाऊँगी ठीक है एंड देन आपको आज इस दिन में क्या करना है कैसे क्या आपका रिविजन रहना चाहिए आज दिन का वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फाइन तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं इस पर मैंने कोर्स करवाया है आपके जेके एस एस बी सुपरवाइजर एग्जाम का जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन का मैराथन कंप्लीट सिलेबस एमसीक्यू ठीक है एमसीक्यू सीरीज सारे सिलेबस की वो चली प्लस मैंने आपको हिस्ट्री कॉम्पोनेंट कंप्लीट करवाया एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला कॉम्पोनेंट ठीक है आने वाले टाइम में जितने भी एस एस बी के एग्जाम्स आएंगे जैसे एन टी का एग्जाम होगा या आपका और कोई पोस्ट निकलती है उसका एग्जाम होगा प्लस हमारे जेके एस का भी मैंने सिलेबस स्टार्ट अभी जल्दी करूंगी उसका मैंने आप एक सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है एंड सोशियलॉजी ऑप्शनल जो है वो मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ जिसकी प्ले आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी नितिन सांगमान एसेंशियल सोशोलॉजी नाम से ठीक है तो ये सारी चीजें और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाले टाइम में आप इस चैनल में देखेंगे अगर आप इस सबको मिस नहीं करना चाहते आपको क्या करना होगा लाइक करना होगा वीडियो को शेयर करना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ठीक है सिंस दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब्सक्राइब करना इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू डू जो आप लोग कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है आईडी प्रूफ एक आपको साथ रखना होगा चाहे वो आधार कार्ड हो ठीक है ड्राइविंग लाइसेंस हो इलेक्शन कार्ड हो मोस्टली आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड जरूरी साथ रख लेना एंड पासपोर्ट साइज फोटो तो काफी क्वेरीज आ रही है क्या वो डेट वाला पासपोर्ट साइज फोटो हमें लेना है कि नहीं देखो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इशू होगा अगर डेट उस उसपे नहीं भी प्रिंट हुई हो लेकिन क्या होता है ना कई जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वो काफी स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हैं तो हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करें ठीक है तो जो कर सकता है कोशिश करना कि कर लो ये ठीक है जैसे कि आपको रूल्स दिए हुए हैं रेगुलेशन एंड रूल्स मैंशन है आपके एडमिट कार्ड पे कोशिश करना वो सारे आप पूरे करो ब्लू ब्लैक बॉल पेन साथ रख लेना ठीक है एंड आप प्लस अपना एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड नहीं भूल जाना ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन बच्चे के मैंने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर देखे हैं इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड आपका सेंटर कहाँ है क्योंकि कईयों का सेंटर काफी दूर है तो वो चीज़ भी पहले ही कंफर्म करा लेना की आपका सेंटर कहाँ पे है एक दिन पहले ही अगर आप आज ही ट्रेवल कर लो वो ज्यादा बेटर रहेगा आप जिसके लिए फिजिबल जो ऑप्शन रहेगा तो वो ऑप्शन अवेल कर लेना प्लस अगर आपको सेंटर नहीं मिल रहा है तो यू कैन यूज गूगल मैप गूगल मैप में अपना मैप में अपना एड्रेस डाल लो एंड जो भी आपका सूमो ड्राइवर होगा ऑटो ड्राइवर होगा उसको आप डायरेक्शन दिखा सकते हो कहाँ से जाना है ठीक है यूज करके आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढ सकते हो फिल ओएमआर करेक्टली स्पेशली रोल नंबर ओ एम आर शीट जो है खासकर जो ओवल के अंदर आप वो शेड करते हो डार्क करते हो ठीक है वो एरिया जो वो वाला पोर्शन है वो बहुत आपको ध्यान से फिल करना है रोल नंबर जो है अपना वो बहुत ही ध्यान से देख के अच्छे से ठीक है एक एक डिजिट जो है अगर वन कहीं पे लिखा है फिर देख लेना वन ही फिल कर रहे हो कि नहीं उसमें चाहे आप कितना भी टाइम लगाओ लेकिन रोल नंबर अपना करेक्टली फिल करना मैंने एग्जामिनेशन सेंटर में फिर स्टूडेंट्स रोते हुए देखे हैं इन गलतियों की वजह से ठीक है ये गलतियां जो है जो अन है वो आपको हंड्रेड अवॉइड करनी है वाटर बॉटल गर्मी है जम्मू के स्टूडेंट्स भी एंड कश्मीर में यहाँ पे भी आजकल मौसम थोड़ा गर्म ही है वैसे कल ठीक था हो सकता है अब कल कैसा मौसम हो फिर से गर्मी हो वाटर बॉटल साथ में रखना क्योंकि उसे टाइम वेस्ट हो जाता है फिर कि किसी सेंटर में आपको दे देते हैं पानी किसी सेंटर में नहीं देते हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है तो आप अपना सामान जो है अपना वाटर बॉटल वगैरह वो आपके पास होनी चाहिए वे आर सिम्पल वॉच ठीक है डिजिटल डिजिटल वॉच ऑल वो अलाउड होनी चाहिए वो भी एनालॉग सिंपल वॉच में ही काउंट होती है लेकिन कई सेंटर्स में ऐसा होता है डिजिटल वॉच निकलवा देते हैं तो एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है इसीलिए सिंपल सिंपल चीजें रखो क्योंकि काफी ज्यादा सेंटर्स हैं जितने सेंटर्स हैं उतने इन्विजुलेटर्स हर इन्विजुलेटर का माइंड अलग कुछ सेंटर्स में तो वॉच निकलवा भी देते हैं ठीक है इसीलिए आप वॉच साथ लोगे वो एनलॉग वाली लोगे वो टिक टिक जिसमें सेकेंड नीडल घूमती रहती है सिंपल वॉच साथ में लोगे इस टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना अब क्वेश्चन पेपर की बात जैसे मैंने आपको कहा था आप क्या करोगे बेटर रहेगा अगर आप जैसे एक पेज पे पांच क्वेश्चंस होते हैं आप वो पांच क्वेश्चंस एक बार पढ़ो उनको डॉट लगा लो कहाँ पे आंसर है ए बी सी डी क्या आता है वो उन पांच क्वेश्चंस का फिर जाके ओ एमआर शीट पे पहले पांच क्वेश्चंस फिल करो फिर नेक्स्ट शीट पे भी आप यही रिपीट करो पहले पांच पढ़ लो जितने उस शीट पे हैं एंड वो पढ़ के अच्छे से उनपे डॉट लगा के फिर देख के वही सेम आपको ओ एम आर शीट पे मार्क करना है ठीक है डोंट फिल आंसर दैट यू हैव नो नॉलेज ऑफ इन द फर्स्ट गो अब जो आपको ये गेस्ट लेने हैं चाहे वो इंटेलिजेंट गेस्ट हो ठीक है या चाहे आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन का कुछ नहीं पता है आपको सोचना है सॉल्व कैसे करोगे वो फर्स्ट गो में नहीं करना क्योंकि कभी कभी आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट कहीं पे रिपीट होता है या ऐसा कोई कीवर्ड होता है जिससे आपको आंसर पता चल जाए ये मैंने आपको हर वीडियो में बोला जो भी हमने एनसी के वीडियोस डिस्कस किए हैं इसलिए फर्स्ट गो में आप वो गैस नहीं लोगे फर्स्ट गो में आप क्या करोगे आप जब आपको क्वेश्चंस 100 परसेंट आते हैं पहले आप वो सॉल्व करोगे फिर सेकंड गो में जो आपको 80 परसेंट तक आते होंगे उनके गेस्ट लोगे उसके बाद जब आपने एक दो बार सारे क्वेश्चंस देखे होंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कहाँ पे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है ठीक है फिर मेंटेन काम इस टाइम पे नर्वस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है आई नो uh, अभी आप काफी ज्यादा एंक्शस वो नर्वसनेस जो है पेल्पटेशन एंड ऑल वो पसीना आना हाथों से एंड ऑल वो सारी चीजें शुरू हो जाती है एग्जाम से एक दिन पहले तो क्या करोगे मेंटेन योर काम काम रहो ठीक है एग्जाम ही है कोई को, ये नहीं है कि एग्जाम किसी का नहीं भी हो जाता है क्वालिफाई चांसेस बहुत है इसको बस वो डू और डाई वाला कॉन्सेप्ट मत बनाओ अपने लिए कि एग्जाम नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म है ठीक है इसीलिए मेंटेन योर काम जो लोग मेडिटेट करते हैं इस चीज पे काफी ज्यादा रिसर्चेज हुई है मेडिटेशन पे ठीक है मेडिटेट आज के दिन करो जो भी जिस रिलीजन का है जो भी जो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉलो करता है उसको वो जरूरी करनी चाहिए अगर आप हिंदू हैं तो आप पूजा कर सकते हैं आप मुसलमान हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको नमाज जरूरी पढ़नी है ठीक है वो आपको क्या करेगा पीस लाएगा अंदर एक काम एक नर्वसनेस जो है आपकी उससे खत्म हो जाएगी यू हैव स्टडीड वेल डोंट पैनिक एट दिस स्टेज इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ भूल गया है ये चीज नॉर्मल है ये सबके साथ हुई है जिसने एग्जाम टॉप भी किया है ना एक दिन पहले उसको भी ये लगता है कि मुझे सब कुछ भूल गया है ठीक है लेकिन ट्रस्ट में आपको कुछ नहीं भूला है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे आप क्वेश्चन पेपर खोलेंगे आपको एक एक पढ़ी हुई चीज याद आ जाएगी ठीक है अगर आपने सिंसियरली प्रिपेयर किया है आपको वहां सब कुछ याद आ जाएगा फिर एग्जामिनेशन सेंटर में पता है क्या होता है कोई एक हल्की सी चीज अगर इंसान की नजरों से गुजरी भी होती है ना वो भी एग्जामिनेशन सेंटर में याद आ जाती है तो क्या करना होगा आपको टेंशन नहीं लेना यू हैव स्टडीड वेल डोंट पैनिक एट दिस स्टेज पैनिक करने से क्या होता है चीजें खराब हो जाती हैं कुछ सही नहीं होता है नर्वसनेस में इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है इसीलिए मैंने कहा आपको फोकस करना चाहिए आज मेडिटेशन जो है करो अपने जिस भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कोई अगर योगा करके रिलैक्स होता है वो योगा करे कोई अगर पूजा करके रिलैक्स होता है वो वो करे एंड आप नमाज पढ़ के रिलैक्स होते हैं आपको नमाज पढ़नी है ठीक है वो नमाज आप जरूरी पढ़े आपको खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने आप नर्व्स को काम करने के लिए एंड यू विल एस दिस एग्जाम टेंशन नहीं लेना इस टाइम पे ये हो गया तो क्या होगा वो होगा तो क्या होगा फलाने की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा है फलाना तो यूपीएससी इंटरव्यू ड्रॉप आउट है उसकी प्रिपरेशन ज्यादा है ट्रस्ट मी कोई चीज मैटर नहीं करती है ये रिस्क अगर आपके लिए होगा वो कोई आपसे नहीं ले सकेगा ठीक है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है मैं यहाँ पे हूँ आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ठीक मैं आपको रिप्लाई कर लूंगी आज के दिन तो मैं आपको सारे जो भी मेल आएगा उनका रिप्लाई दे दूंगी आपको ठीक है एंड आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करते हैं तो व्हाट्सएप पे कोई एक मुझे बंदा अपना पेपर भेज देना ताकि मुझे पता चले कि एग्जाम कैसा आया था एंड एक इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए अगर आपको ये लगे कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट आया है तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना ठीक है आपको जिसने सिंसियरली पढ़ा है उसको पेपर देख के तो ये लगेगा ना कि पेपर डिफिकल्ट है या ईजी है क्योंकि अगर आपके लिए डिफिकल्ट होगा ना आपकी प्रिपरेशन ठीक हो, रही होगी तो मेजोरिटी के लिए डिफिकल्ट होगा उस चांस में आपको क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं गैस जो है वो कम लेने हैं ठीक है एंड अगर आपको लगे पेपर ईजी आया है फिर आप क्वेश्चन जो है बहुत सारे अटेम्प्ट करके आना Fine, ये काफी इंपॉर्टेंट टिप है तो बस ये थी लास्ट की कुछ बातें एंड डू वेल ऑल द बेस्ट गाइड आज के दिन जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है आप नर्वस नहीं होना काम रहना एंड आज के दिन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो रिवाइज कर लो अच्छा मैंने आपको कहा था कि आज के दिन क्या रिविजन करना है वो भी मैं आपको बोलूंगी देखो जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाला वीडियो था वो रिवाइज करो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी वहां पे आपके कंपाइल्ड पीडीएफ में मेंशन है में वो डेट्स रिविजिट कर लो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के जो दो वीडियो मैंने लाए थे यूनिट वन एंड यूनिट टू के वो दो वीडियो भी देख लो अगर टाइम है आपके पास फाइन एंड एक ओवर लुक ले लो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केमिकल एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसका मैराथन वाला जो वीडियो है जिसमें सिर्फ हमने फैक्चुअल चीज़ें बताई हैं वो फैक्चुअल चीज़ें एक बार फिर से रिविजिट कर लो तो आज के दिन में पॉसिबल तो नहीं है सारा सिलेबस रिवाइज करना पर जो मेन मेन पोर्शन है वो आपके आज वेल रिवाइज होने चाहिए आज का दिन जो है वो स्पेशलाइजेशन को दे दो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स जो है वो स्पेशलाइजेशन से आने वाले हैं ठीक है थीके? तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो एंड आई होप कल एग्जाम खत्म हो मुझे गुड न्यूज़ मिले आप लोग बोलो कि आपको फायदा हुआ करंट क्रांच से एंड आपका पेपर अच्छा हुआ ठीक है तो आपकी जर्नी का मुझे फिर आप एक्सपीरियंस भी बोलोगे कैसा रहा आपका करंट क्रांच के साथ लेकिन आपके एग्जाम्स के बाद अभी एग्जाम पे फोकस करो तो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे